Assalamualaikum 97 News के साथ मैं हूं तैयबा वकास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो उठेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उम्मीद नुसरत फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट उमर खालिद साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? आज आप मुझे कुछ बताएंगे उम्मीद नुसरत फाउंडेशन के बारे में, कुछ डिटेल बताएंगे आप? जी मैडम, ये फाउंडेशन जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़किरा निगार, दानिश्वर, अदीब, शायर, मुसन्निफ़, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो एजाज की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान न्याजी साहब, अल्लाह ताला उनको ठीक रहना करे, इंतकाल हो गया उनका दूसरा करे। ये उन्होंने इसका आगाज़ किया था, बनाई थी उन्होंने साल 2014 में। अभी तक जो है इसमें 500 के करीब जो बच्चे हैं थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के, उनका हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे इलाज करते हैं। उनकी जो मेडिसिन मेडिकेशन वगैरह जितनी भी होती है, फिर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको आने जाने का रेंट जो है वो माना राशन जो है वो अदारा प्रोवाइड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और पिछले 8-9 साल से 10 साल से डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है ना वो बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के बाद जो बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो थैलेसीमिया एक बीमारी है, आप इसका इलाज करते हैं, क्या इसका इलाज 100% ही है? अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तान में जो है ना वो इलाज इसका ऐसा काबिल कबूल नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि इसका इलाज जो है वो बोन मैरो तो है, लेकिन हमारे पास जो फैमिलीज यहाँ पे बच्चे जो रजिस्टर्ड है ना, अब ये अंदाज़ा कर लें कि उनके पास आने जाने का किराया और एक टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं हैं। तो वो जो ये इलाज है जो बोन मैरो है, ये 80-90 लाख रुपये का खर्चा है, तो वो किस तरह अफोर्ड कर सकेंगे? तो नंबर वन। नंबर टू ये है कि पैदाइशी तौर पे इन बच्चों का जिगर जो है वो ब्लड नहीं बनाता, जिगर काम नहीं करता, खून नहीं बनता। अगर हम जो है वो इनको ब्लड ना लगाएं तो जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इन बच्चों में जो ब्लड होता है वो कैंसर बन जाएगा और ये 2 से 3-4 माह में एक्सपायर हो जाएंगे बच्चे। वैसे भी इनकी उम्र जो है वो 20-25 साल तक चलती है, रहते हैं 20-25 साल तक। तो पैदाइश से लेके 20-25 साल या 30 साल या जितनी भी अल्लाह ताला ने इनकी उम्र रखी है, उसके लिए जो उन्होंने सर्वाइव करना है, वो फिर हमारा अदारा जो है ना वो यहाँ पे उनको ब्लड लगाता है, उनको मेडिकेशन वगैरह करते हैं, ताकि ब्लड लगाने से ये भी है कि उनका कोई जिगर ना बढ़ जाए या उनकी तिली ना बढ़ जाए या दिल ना बढ़ जाए, तो उसके लिए कुछ मेडिसन है वो जितना भी उनका है कॉस्ट आती है जो उनके ट्रीटमेंट पर, वो ये अदारा फ्री करता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे उम्मीद नुसरत जो फाउंडेशन है उनके वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास आने के लिए रेंट भी नहीं होता, ये वो भी प्रोवाइड करती हैं। मेरे ख्याल में आई थिंक सो मैंने अभी तक ऐसा इदारा कोई नहीं देखा। तो अगर आप में भी घर में भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो थैलेसीमिया की वजह से, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उम्मीद नुसरत फाउंडेशन पर आ सकते हैं और फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत